बिसमिलीम अल्लाकम क्या हाल है आप सब के उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे बहुत मज़े में होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि किसके पास क्या कुर्बानी हो रही है और ईद के दिन आपके पास क्या होता है कोई ख़ास चीज़ें आप लोग फॉलो करते हैं कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं आपने जो है वो मुझे ज़रूर बताना है क्योंकि हम जब यहाँ पे रहते हैं ना तो हम अपने घर में कोई जानवर तो ला नहीं सकते और वैसे करेंटली जो पाकिस्तान की महंगाई की सिचुएशन है अल्लाह करे कि सब लोग इस क़ाबिल हों के खैर वाफियत से कुर्बानी कर सकें और जो लोग कुर्बानी करें वो अपने अजीज़ वक़ारब और अपने आस पास रहने वालों का ज़रूर ख्याल रखें पड़ोसीियों के बहुत हक होते हैं जो आपके घर में काम करने आते हैं उनके बहुत हकूक़ होते हैं एक बहुत मज़ेदार किसी ने मेरे साथ मीम शेयर किया था वो ये कि लगता है कि इस दफ़ा कुर्बानी का गोश्त बांटना ही पड़ेगा क्योंकि लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हम संभाल ही नहीं सकते तो अजीब सी आयरनी है इस लतीफ़े के अंदर भी तो बिल्कुल भी कुर्बानी का गोश्त मत संभालिएगा आप अपने साथ जो है वो दूसरों को भी उसमें शामिल कीजिए ताला बहुत बरकत देंगे अच्छा जी आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा मज़ेदार व्लॉग है आज का व्लॉग जो है वो हमारी एक दोस्त के घर का व्लॉग है और आप देखें कि उन्होंने अपने छोटे से प्यारे से घर को कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और छोटे से कॉर्नर हैं छोटे से नुक्स हैं कुछ नीशेज़ हैं जो उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से जो है ना वो सजाई हुई हैं तो अक्सर मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास कम जगह है तो आप देख लीजिए कि ये सब ब्लॉग या ये सब वीडियोस में आपके लिए इस तरह से शेयर करती हूँ कि आपको आइडिया हो सके कि कितनी अच्छे तरीके से आप छोटी सी जगह को भी जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जी उस दिन मौसम जब हम घर से निकले तो अच्छा खासा गर्म था लेकिन प्रडिक्शन थी कि बारिश हो जाएगी तो बस उन्होंने सारा खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो आउटडोर रखा हुआ था तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि आपके पास अगर बाहर गैरेज की स्पेस है छोटा सा लॉन है सहन है तो आप वहाँ पर बैठने का इंतज़ाम कीजिए तो इस तरह से ये होगा कि आप मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं और खुले डुले होकर मज़ेदार सा खाना भी इंजॉय कर सकते हैं तो बस यहाँ पे जो है वो खाने की तैयारी है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू हो रहा है और ये बारबेक्यू जो है ना वो माशाल्लाह उनका बेटा कर रहा था इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई तो मैंने देखा कि माशाल्लाह पाकिस्तानी बच्चे बहुत काम करते हैं बिल्कुल करते हैं लेकिन उस तरह काम नहीं करते जिस तरह से बच्चे बाहर काम करते हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं जितने बाहर के बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं तो मुझे ये बहुत बड़ा फ़र्क लगा हालाँकि हमने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है और ऐसे ही नवाबों की तरह गुजारी है कि कोई काम नहीं करते थे सारे काम अम्मा अब्बा करके देते थे लेकिन इस दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को जो है ना वो रियलाइज़ करना चाहिए और अपने माँ बाप के साथ जो है ना वो हाथ बटाना चाहिए चाहे किचन में चाहे बाहर अगर आप बाहर जाके काम करना चाहें और आप सोचते हैं कि वहाँ पे कोई इतनी अपरचुनिटीज़ नहीं हैं क्योंकि बाहर बहरहाल ये फैक्ट है कि यहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे भी बच्चे काम करते हैं पेट्रोल स्टेशन पे भी काम करते हैं और कोई उसको बुरा नहीं समझता और अच्छे तरीके से ही स्टूडेंट्स को डील किया जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चियां हैं वो अपनी अम्मियों का घर में हाथ बटा सकती हैं उनका बोझ कम कर सकती हैं तो इस तरह से जो है वो बच्चों की ट्रेनिंग करें ताकि बच्चों में जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो और वो बीस बीस इक्कीस साल के होने तक जो है ना वो माँ बाप पर डिपेंडेंट ना रहें हालाँकि बहुत अजीब बात है कि मैं खुद ऐसे ही बड़ी हुई लेकिन मुझे लगता है कि बाहर के कल्चर से आपको जो अच्छी बातें हैं वो ज़रूर सीखनी चाहिए ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए और जिस तरह का हमारा आजकल का पाकिस्तान का हालात हैं हिसाब हैं एक कमाई से घर चलना बहुत मुश्किल है तो आप सब के सब जो हैं वो तहिया कीजिए चाहे आप खातून ख़ाना हैं चाहे आप बच्चे हैं क्या आपने कुछ ना कुछ जो है वो पेचन ज़रूर करना है और अपने घर के कफ़ील की जो है वो हेल्प ज़रूर करनी है माशाल्लाह इनका लॉन बहुत बड़ा है यहाँ पे लोगों के बैक काफ़ी बड़े होते हैं और उसको जो है वो ख़ुद ही मेंटेन करते हैं यानी घास का काटना पौधों की काट छाट पौधे लगाना पौधों की रखवाली करना पानी देना ये सब जो है यहाँ पे मिलजुल के फैमिली के लोग करते हैं तो देखें एक तरह से ये भी जिम्मेदारी है एक तरह से ये भी काम है और बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम करते हैं तो इसी तरह से अगर आपके घर में गमले हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएँ उनकी टेक केयर करने के लिए और जी दावत का इंतजाम माशाल्लाह बहुत अच्छा था और सोने पे सुहागा वो मौसम था जिसकी वजह से जो है वो दावत को चार चांद लग गए थे पहले इनका प्लान ये था कि कबाब भी जो है वो ग्रिल कर लिए जाएं लेकिन फिर ऐसा लगा कि टाइम की कमी की वजह से बेहतर यही है कि कबाब जो है वो एयर फ्राई कर लिए गए तो मेन्यू में कबाब थे चिकन टिक्का था निहारी थी बिरयानी थी और चिकन कढ़ाई थी माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे बहुत अच्छा खाना था और मैं आपको एक बात बताऊं खाने से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कंपनी अगर आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं बैठ के बात करने में मज़ा आता है तो यकीन करें खाना जो है वो शानवी चीज़ है बस खाने में कुछ भी हो और उसके बाद एक ज़बरदस्त मज़ेदार सा कप चाय का हो बस इतना ही काफ़ी होता है और जी आप लोग कहेंगे कि सारी दुनिया जो है वो ईद की रेसिपीज़ शेयर कर रही है और सबीन जो है वो दावतों के ब्लॉग शेयर कर रही है तो देखें बात यह है कि मेरे पास ईद की जो है वो एक पूरी प्ले है जो मैंने आपके लिए बना दी है मेरे चैनल पर जाके कर प्ले में आप ईद की जो है वो तमाम रेसिपीज़ देख सकते हैं सेम रेसिपीज़ को रिपीट करने में क्या मज़ा है लेकिन अगर आप कहेंगे तो ज़रूर मैं कोई एक आध रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी जो ईद के लिए ईद की मुनासबत से आपको आसानी दे और जी मैंने सोचा कि ये मज़ेदार सी तकरीब है जी ये आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है इतना प्यारा सा मौसम है ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग बहुत पसंद करते हैं कि जब मैं आप लोगों को अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ कोई दावत के ब्लॉग दिखाती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग हमारे साथ रिलेट करते हैं तो अच्छी बात है मैं भी आप लोगों के साथ रिलेट करती हूँ और इस तरह की सारी गैदरिंग्स जो वो एक्चुअली अपनी फैमिली को अपने घर को याद करने का ही एक तरीका है अपने जैसे लोग मिल जाएं अपने दोस्त मिल जाएं बैठ के बातें करें और जिस तरह के कल्चर में हम रहते हैं उधर बच्चों की जो है ना वो कंपनी बहुत मैटर करती है तो अपने जैसे लोग हो उनके साथ बच्चे भी बैठें नई नई चीज़ें सीखें अच्छी बातें सीखें जो बातें आप नहीं उन्हें सिखा पाते बाजूत वो दूसरों से सीखते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बैठें वो कहते हैं ना कि किसी अतार के साथ बैठेंगे यानी परफ्यूम बेचने वाले के साथ बैठेंगे तो आपके पास से खुशबू आएगी और अगर किसी गंदगी की जगह पे बैठेंगे तो आपके पास से बुरी स्मेल आएगी तो बस अच्छे लोगों के साथ बैठें तो ख़ुद ब खुद अच्छी ही बातें सीखना आपको जो है ना वो ज़रूरी हो जाएगा चाहे आप ना भी चाहें ना तो आप कुछ ना कुछ अच्छा पिक करेंगे इसी तरह से बच्चे भी इन अच्छा अच्छा पिक करेंगे तो जी हमने ज़बरदस्त किस्म के तीन मीठे खाए और इसमें गाजर का हलवा सर फहरिस्त है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सर्व किया उसके साथ कड़क गरम, चाय का प्याला और क्या चाहिए ज़िंदगी में तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा जो लोग मुझे इंडिया से कोत से जर्मनी से मैसेज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ख़ैर से रहें खुश रहें इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें उस पर मुझे मैसेज का जवाब देना ज़्यादा आसान होता है और जी अब आप मजीद क्या देखना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइए आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी आपने ज़रूर बताना है और ये बहुत मुबारक दिन है ये बहुत अच्छा महीना है ये दस दिन आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने अच्छी अच्छी सी दुआएं मांगें अपने लिए अपने घर वालों के लिए अपने बच्चों के लिए अपने प्यारों के लिए और सब दुआ करें कि अल्लाह ताला अगले साल हम सब को हज की सीदत नसीब करें आमीन सुमामीन, खुश रहिए दूसरों को खुश रखिए अगर आप दूसरों को आसानियाँ देंगे तो आप यकीन करें कि जो आप दूसरों को देते हैं वही पलट के आपके पास वापस आता है तो अगर आप आसानी देंगे सुकून देंगे खुशी देंगे तो अल्लाह ताला आपको भी ये सारी चीज़ें डबल ट्रिपल दस गुना सौ गुना करके वापस कर देंगे इन फिर मिलेंगे एक नए ब्लाग में अल्लाह हाफिज़